आप कहते हैं कि हम विरोधी को बड़ा मौका देता है, बड़ा बड़ा बात। मान्यवर उनका समय समाप्त हो चुका है बोलने का। नहीं, 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 नहीं। एक सेकंड, एक सेकंड, मैं अभी मेरे पैर पर खड़ा हूँ अधीरंजन जी, आप ऐसे मेरा माइक चालू है। मान्यवर मैं जो बोला उसमें से अगर कोई मुद्दे उपस्थित हुए तो ही वो बोल सकते, बिल पर उनका भाषण समाप्त हो चुका है। आता हूं, आप जो कहा ऑर्डिनेंस और आप जो कहा, देखिए सकते हो नियमों के तहत नहीं बोल रहे हैं आप, ना नहीं बोल रहे हैं आप। अमित शाह जी, आप कहते हैं कि कागज कहां से लाए हैं, आपका खुफिया तंत्र है, आप पता कर लीजिए मैं कागज कहां से लाए हैं। आपका जो आप जैसा सरकारी दस्तावेज मेरे पास नहीं है, विषय पे बोल दें सर। सुबह हमारे फाइनेंस मिनिस्टर एक स्पीच रखा था यहाँ, और दोपहर में हमारे होम मिनिस्टर, दोनों ही बजट स्पीच है, एक हिंदुस्तान की बजट और दूसरा आपको बयान के मुताबिक लगता है जम्मू कश्मीर की बजट। और साथ साथ ये चुनाव नज़दीक है चार राज्यों में, इसका भी झलक हमको देखने मिला, क्योंकि आप दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम जम्मू कश्मीर को नए सिरे से सर्क बनाने जा रहे हैं। देखिए सुबह जब सूरज उठती है, सूरज उठने का पहले थोड़ा अंधेरा रहते हैं, अंधेरे के बाद सूरज जब निकलते हैं, सूरज निकलने का पहले मुर्गी चिल्लाने लगती है। मुर्गी को यह सोच रहते हैं कि हम चिल्लाते हैं इसलिए सूरज उठते हैं। माननीय गृह मंत्री जी, भाषण जब मंत्री का समाप्त होता है, जो भी बिल को पायलट करते हैं, तब मुद्दे पिन पॉइंटेड और बिल में से या तो मेरे भाषण में उपस्थित, इसमें मुर्गी अंडा मुर्गा नहीं आता है। पॉइंटेड विषय में बोल रहे हैं, अमित शाह जी को यह बता दे, आपका सामाजिक संकल्प है, अमित शाह जी को यह बता दे, ये स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन है तो नाम राइट टू रिप्लाई है इसमें। मैं ये राइट टू रिप्लाई अधिकार से आपको बात रख, आपने घंटों भर आपका भाषण रखा, आप पॉइंटेड बता, हमें भी दो चार बात रखने का मौका दीजिए। आप कहते हैं कि हम विरोधी को बड़ा मौका देता है, बड़ा बड़ा बात। मान्यवर उनका समय समाप्त हो चुका है बोलने का। नहीं 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 नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड, मैं अभी मेरे पैर पर खड़ा हूँ अधीरंजन जी, आप ऐसे मेरा माइक चालू है। मान्यवर मैं जो बोला उसमें से अगर कोई मुद्दे उपस्थित हुए तो ही वो बोल सकते, बिल पर उनका भाषण समाप्त हो चुका है। आता हूँ, आप जो कहा ऑर्डिनेंस और आप जो कहा, देखिए आप ये कहते थे कि जम्मू कश्मीर में बहुत सारे तरक्की हो रहे हैं, बिजनेस बढ़ रहे हैं, बगड़ा बगड़ा। मैं सरकार की तरफ से सरकारी हिसाब की जिक्र करना चाहते हैं आपको सुविधा के लिए। कोर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी ऑफ J&K हैव विटनेस्ड ए स्टीप डिक्लाइन आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 ड्यू टू द कम्युनिकेशन ब्लॉकेट, कारफ्यूज एंड मिलिटेंट थ्रेट्स इन द पास्ट 5 months अलोन आफ्टर द एब्रोगेशन। इन द फर्स्ट 5 months अलोन द इकोनॉमी ऑफ कश्मीर लॉस्ट 178.78 billion इंडियन रुपीज एंड मोर देन 90,000 जॉब्स इन द सेक्टर्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट, टूरिज्म एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। द हॉर्टिकल्चर सेक्टर इज इन डिस्ट्रेस, टूरिज्म इज इन शैम्बल्स, स्टूडेंट्स आर सफरिंग बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग इंटरनेट ब्लॉकेट। इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द पास्ट 70 years that rural Kashmir is facing such a great degree of economic slowdown। आप जो सामाजिक समल संकल्प जो बिल का है, उस बिल पर कोई आपको आशंका है तो निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी क्लियर करेंगे। जी अमित शाह जी ये कहे कि मैं सुनना नहीं चाहते, मैं नहीं कहूंगा। अगर अमित शाह जी सुनना चाहते तो मैं जरूर कहूंगा। आप बिल पर बोले सर, एक मिनट, नहीं उनकी बहुत सारे लंबी भाषण दिया, मैं तो उठ गया, एक भग्नांश वाक लेना चाहते। मान्यवर एक मिनट, मान्यवर ये गलत इंटरप्रिटेशन हो रहा है कि मैं उनको सुनना नहीं चाहता। सभी सदस्यों को मैंने ध्यान से सुना है, इसी सीट पर बैठकर सुना है, एक एक बात को नोट, अरे आप मुझे सुनिए ना, आप नोट कर, उनका भी बोलने का समय था तब वो बोले नहीं, बाहर से किसी ने कागज भेज दिया है पढ़ो, अब पढ़ रहे हैं।
माननीय ऐसा नहीं चलता सदन। अभी मेरे भाषण में से कोई नया मुद्दा अगर उपस्थित हुआ है तो वो जरूर कहे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये सदन की एक प्रणाली का है, जब उनका बोलने का समय होता है तब वो पढ़े, उसको पढ़े। और ये जो अभी पढ़े वो भी किसी सदस्य ने जरूर पढ़ा है, मुझे नाम अभी याद नहीं, मेरी नोट नीचे रखी हुई। परंतु माननीय ये इस प्रकार से कहे कि मैं उनको सुनना नहीं चाहता, मैं आपको नियमों के तहत सुनना चाहता हूं। नियम तोड़कर आप नहीं बोल सकते हो, नियमों के तहत नहीं बोल रहे हैं आप, ना नहीं बोल रहे हैं। अमित शाह जी, आप कहते हैं कि ये कागज कहां से लाए हैं, आपका खुफिया तंत्र है, आप पता कर लीजिए मैं कागज कहां से लाए हैं। आप जैसा सरकारी दस्तावेज मेरे पास नहीं है, विषय पे बोल दें सर। बात यह है कि देखिए हम ये सदन के अंदर गुहार लगाए थे, ये जम्मू कश्मीर की आर्टिकल 370 एप्लीकेशन होने की बात, कि एक ऑल पार्टी डेलीगेशन क्यों ना हम जम्मू कश्मीर जाए। आपकी सरकार को ये हिम्मत नहीं हुई एक ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजने के लिए। आप यूरोप से लाते हैं, कल दिल्ली में सारे एम्बेसडर को बुलाते हैं लेकिन हमें नहीं बुलाते। अभी भी चलिए माननीय अध्यक्ष जी, अब वापस ले रहे हैं या नहीं ले रहे? माननीय अध्यक्ष जी, ये बात इन्होंने करी है ठीक नहीं है। ऑल पार्टी डेलीगेशन कभी भी जाना चाहे आज चला जाए, कोई नहीं, आप जाइए ना, मैं कहां रोक रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, ये ऑल पार्टी मुझे रिकॉर्ड क्लियर करना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष जी, कब जाना चाहते थे? जब 370 हटाई तब, और वो मरहम लगाने जाना नहीं चाहते थे, उकसाने के लिए जाना चाहते थे, इसलिए परमिशन नहीं दी। अमित जी, आपको एक बात पूछना चाहते हैं, आप ये बताइए। एक मिनट अजय रंजन जी, संसद की संसदीय समिति वहां पर अभी वर्तमान में जाकर आई थी, मैंने परमिशन दी थी उनको। अच्छा, क्या सर, हम लोग ऑल पार्टी जाना चाहते हैं। बात यह कि आप ये कहिए कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट और यूएपीए में कश्मीर घाटी में कितने लोगों को आपने अरेस्ट किया और जेल में डाला, नंबर वन। आप तो नंबर टू, आपको याद दिला दे। आप माननीय अधीर रंजन जी, संकल्प वापस लेना चाहते हैं या हो गया? अमित शाह जी 370 एब्रोगेट करने का पहले जम्मू कश्मीर का पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तान की एवरेज इनकम से ज्यादा था। प्रश्न आप पता